प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में लोगों को सस्ती दरों पर प्याज मुहैया कराना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सरकार से रसोई तक नारे के साथ लोगों को सस्ती दरों में प्याज उपलब्ध करवाने की शुरुआत की है। प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में भी सस्ती प्याज की बिक्री शुरू हो गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ शिमला के ब्रांच मैनेजर महेंद्र कुमार कश्यप ने बताया कि देश के साथ प्रदेश में भी प्याज की कीमतों में उछाल आया है, जिससे आम आदमी की रसोई पर काफी असर पड़ता दिख रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर त्योहारी सीजन में लोगों को राहत देने के लिए NCCF 25 रुपए किलो प्रति आधार कार्ड 2 किलो प्याज उपलब्ध करवा रहा है, जबकि बाजार में प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपए किलो हैं। जैसे कि आपने देखा ही कि आजकल बढ़ते ही महंगाई के कारण जो प्याज जो है बहुत ही महंगा हो गया था, तो केंद्र सरकार ने सोचा कि NCCF नेफेड के माध्यम से इसे जो है आम ग्राहक के लिए 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाए। तो हमने यहाँ पर यह नियम रखा है कि एक आधार कार्ड पे 2 किलो हर घर के लिए दिया जाएगा। वहीं आम लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि प्याज की बढ़ी हुई कीमतें रसोई का बजट बिगाड़ रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर प्याज मुहैया करवाकर त्योहारी सीजन में राहत दी है। प्याज की कीमतें या किसी चीज की कीमतें बढ़ती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी इस पे रीजनेबल रेट पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। 25 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, बाजार में 80 रुपए तक चला गया हुआ है, 80 से 90 रुपए चला गया हुआ है, तो उसमें थोड़ा राहत का काम सरकार की ओर से मिल रहा है, तो अच्छा कार्य है गवर्नमेंट का। इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को, हर जगह इस तरह की सर्विस देनी चाहिए ताकि और लोगों को भी ऐसी सुविधा मिल सके, कुछ राहत मिल सके। आपको 25 रुपए किलो के हिसाब से मिला जबकि मार्केट में 80 रुपए बिक रहा है, 1-2 किलो मिला एक कार्ड पे।